किसके लिए? साइंस। आपका नाम क्या है? आदिल। मेरा नाम सुनील है। आदिल नहीं, नहीं सर, आपको पहचान की कोई जरूरत नहीं। अरे यार, मेरे को ऐसे दाढ़ी में पहचानते नहीं। हाँ चलो सब, इससे आवाज़ आ जाएगी मेरी इतनी दूर से? हाँ सर, मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा तब भी आ जाएगी। कैच करेंगे। आई प्लीज स्टार्ट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो कैसे, पहले तो जानना चाहिए कैसे कैसे कमेंट्स मिल रहे हैं आपको पर्सनली आपके फ्रेंड्स से, इंडस्ट्री से? अच्छा लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है, हम लोग फिल्म देखने आए, आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म, इस तरह के बड़े सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं। ओके सर, ये मूवी में आप बहुत ही डिफरेंट नज़र आ रहे हैं एज अ पास आपने जो रोल्स किए हैं अब तक के, तो क्या ब्रीफिंग थी विशाल जी की आपको ये रोल के लिए? एक्चुअली वो स्क्रिप्ट थी और उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया किस तरह का कैरेक्टर है और फिजिकैलिटी जो उन्होंने ही डिसाइड की और जिस तरह का इनफैक्ट मैंने सोचा हुआ था। मैं करने गया तो सर ने मुझे पहले दिन ही बोला कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, तो फिर जो ग्रामर जो मैंने सोचा हुआ था वो सब चेंज होकर जो उन्होंने बोला वैसा हो गया। तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर है, इसको इस तरह से अप्रोच करना है, इस तरह से वो फिल्म को देखते हैं। तो मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्या चल रहा है तुम्हारा? कभी लाइट ऑन है, कभी ऑफ है, कभी तुम आदमी सेट कर रहे हो, सब सेट करके बैठो ना, पीछे से तुरंत तुम्हारा भरतनाट्यम चली जा रहा है। तो पीछे तो लगा ही हुआ धाम धाम धाम, इधर ये वो बात ही नहीं कर पाता आदमी। सेट कर लो आराम से, फिर कर लेते। हाँ जी, कहाँ से हम लोग? विशाल जी ने आपको जो ब्रीफिंग दी? हाँ जी, ब्रीफिंग विशाल सर बहुत क्लियर है उनके बारे में कि किस तरह से कैरेक्टर चाहिए और उनको पता है। तो ऑफ कोर्स वो मास्टर फिल्म मेकर है, तो मैंने एक तरीके से सोचा हुआ था कैरेक्टर किस तरह से करूँगा, पर जैसे सीन शुरू करने के लिए नहीं इसको ऐसे करूँ, तो फिर वो ग्रामर एक ही मिनट में वो जो वो चाहते थे वैसा हो गया, फिर सारा उस तरह से बहने लग गया। तो मैंने कम्प्लीटली सरेंडर किया हुआ था क्योंकि स्टोरी डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं और मुझे बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद डायरेक्टर्स लाइक विशाल सर, तो आपको सरेंडर कर देना ही अच्छा है क्योंकि उनको पता है कि वो क्या बना है और वो उसमें दिक्कत भी नहीं होती। ओके सर, आपके हैशटैग है ना, बहुत जन ने कहा है कि आप बहुत इंस्पायर्ड है SRK से, अर्ली डेज में जो पहले उनकी हैशटैग हुई थी अगर, तो क्या वो इनसे इंस्पायर्ड है? क्योंकि बहुत ही मिलती जुलती है एक्चुअली वो लुक जो है वो विशाल सर ने ही फाइनल की हुई है, और वो SRK से जो लोग इंस्पायर्ड हैं आई थिंक वो उन लोगों से इंस्पायर्ड है। ओके सर, ये मूवी को दो लेडी लीड कर रही हैं, तो आपके कैरेक्टर कहाँ आप देखते हैं? सॉरी, दो लेडी ये कैरेक्टर को लीड कर रही है मूवी में, सो वेयर डू यू सी योर कैरेक्टर? अब जमाना बदल रहा है, लड़कियाँ आगे आ रही हैं, तो मैं उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा हूँ, लड़कियों की सपोर्ट के लिए। लड़कियों ने मुझे बहुत कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दिया है, मैं भी लड़की बन बन के बड़ा कुछ किया है, सो अब मेरा टाइम है लड़कियों की सपोर्ट करने का। ओके सर, डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे विशाल जी के? फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हैं विशाल जी के साथ, तो डायरेक्शन के बारे में उनके क्या कहना चाहेंगे? विशाल सर ने जैसे कहानी लिखी भी है, इट्स लाइक अ पोएम। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये ऐसा लगता नहीं कि डायलॉग है, ये पोएम लगती है क्योंकि उसको कुछ चेंज करने का मन ही नहीं करता, कुछ इम्प्रोवाइज करने का, या ऐसा लगता कि कई बार एक शब्द या एक मात्रा भी कहीं इधर उधर कर दो तो उसके मीटर में फ़र्क आ जाएगा, उसके वेट कम हो जाएगा उसका। तो वो बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है और उस तरीके से मैंने परफॉर्म किया। सर थोड़ा धीरे बोल लो, हम भी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ
ओके सर, आपने देखा रहेगा कि अभी बायोपिक का एक दौर है और वो मैक्सिम जन ने कहा कि आपको महमूद जी के बहुत सिमिलर है, सो डू यू थिंक आप करना चाहेंगे उनकी बायोपिक? किसने कहा तुम्हें? बहुत जन ने कहा कि आप बहुत रिलेट करते हो, और क्या अपने फ्यूचर में? मैं तो आई वुड लव टू डू इट, अगर मैंने कभी सुना नहीं ऐसे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मेरे लिए तो मज़ा आ जाएगा। ओके सर, इसके अलावा आप अली जफर के साथ भी काम करने जा रहे हैं भारत में, और फर्स्ट टाइम आप रोमांटिक वेब में भी दिखेंगे नोरा फतेही के साथ अपोजिट में, तो कितने एक्साइटेड है काम करने के लिए, या उनके साथ चालू हो चुके हैं उसके बाद में शूट, अगर थोड़ा कुछ बता पाए? अभी फिल्म की शूटिंग शुरू है और मैं इस फिल्म के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ेदार अनुभव है मेरे लिए, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तो शूट पे ही मज़ा आ रहा है, और फिल्म बन जाती है तो फिर आपसे और बातें करूँगा। ओके सर, इसके अलावा आपकी मूवी स्वीट धागे से क्लैश करने जा रही है, तो डू यू थिंक कहीं ना कहीं आपकी मूवी थोड़ी इफेक्ट होगी, क्योंकि एक फ्रेश पैर आ रही है वरुण जी और अनुष्का की, और उनकी फैन फॉलोइंग भी थोड़ी ठीक है, अच्छी खासी है, सो आप कुछ कहना? मैं भी उनका फ़ैन हूँ और मैं भी चाहता हूँ वो फिल्म देखूँ, और अच्छी बात है फिल्म रिलीज़ हो रही है और बहुत लोग हैं फिल्में देखने के लिए, और इंडिया तो दीवाना है फिल्मों के लिए, हमारी बॉलीवुड जो फिल्म है, सो मोर द मैरियर। तो पटाखा भी साथ में ही है और सुई धागा भी साथ में है, और सुई धागा के लिए कपड़ा भी चाहिए सिलने के लिए, तो सारा कॉम्बिनेशन अच्छा ही हो जाएगा। ओके सर, लास्टली 28 को आपकी मूवी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने स्टाइल में, अगर आप कहना चाहेंगे लोगों को? सॉरी, 28 को आपकी मूवी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस, आपके लोगों को, आपके अपने स्टाइल? देख लीजिए प्लीज़, अच्छी फिल्म है, पटाखा इसका नाम है, 28 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, और विशाल जी ने बनाई है, अच्छी फिल्म है, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।